चल गए। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ चिराग सजदेवा, मेरे साथ बीजेपी विधायक विनोद भ्याना जी हैं। हम इस वक्त हांसी के प्रेमनगर एरिया में खड़े हैं। सर, ये जो पानी की समस्या आपने सुलझाई है, काफ़ी साल से कह रहे हैं कि 6 या 7 साल से ये पानी की समस्या थी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभी बताया आपको कि ये समस्या इनकी आज की नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। मैं पिछली बार जब MLA बना, CPS बना, तब भी इनकी समस्या थी। तब भी हमने यहाँ एक ट्यूबवेल लगवा के इनकी समस्या का निदान किया था। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि हम यहाँ से परलित शहर की तरफ से कोई लाइन ला नहीं सकते थे, क्योंकि बीच में रेल की लाइन निकलती थी, उसकी हमें अप्रूवल लेनी पड़ती थी। और अप्रूवल रेलवे डिपार्टमेंट ने काफ़ी लंबे जिद्दोजहद के बाद भी हमें मिली नहीं। तो जैसे तैसे हमने ट्यूबवेल लगवाया, पानी भी मीठा निकला, यहाँ से लाइन भी डलवाई हमने, और गाँव वालों को पीने का पानी हमने उस समय दिया था। मगर उसके बावजूद, उसके बाद मैं चला गया बीच में से, मेरी चुनाव में हार हो गई। उसके बाद ये 5 साल लगातार ये लोग परेशान रहे। ये किसी के दर पे गए तो वो अगला मिला नहीं, मिला तो अगले ने सुनी नहीं। मतलब मेरा कहने का ये है कि 5 साल तक ये बेचारे दर दर की ठोकरें खाते फिरते रहे, पता नहीं कहां कहां से इन्होंने पीने के पानी का इंतजाम किया। आपको लगता है सर ये परमानेंट सोल्यूशन है? एक मैं बता रहा हूँ आपको, अभी जब मैं दोबारा विधायक बना तो इन लोगों ने दोबारा मेरे को अपनी समस्या बताई। तो मैंने जैसे तैसे कह के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को एक ट्यूबवेल का अरेंज करवाया, जगह कृष्ण इलावादी जी ने दे दी, और कुदरती ये नहर के किनारे पे पानी मीठा निकल आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये समस्या परमानेंट हल है इसका तो सही है, नहीं तो अब हमारे पास एक रेलवे ओवर ब्रिज बन गया, RO बन गया। अगर हमारा रेल के नीचे से तो हम नहीं लाइन लगा सकते थे, मगर रेल के पुल के ऊपर से हम ले आ सकते हैं। अगर यहाँ कोई दिक्कत आई तो अब हम निश्चिंत हैं इस बारे में, हम ऊपर से भी लाइन ले आके इस गांव में पीने के पानी की समस्या या कोई और भी समस्या अब नहीं रहने देंगे। सर, एक समस्या काफ़ी टाइम से यहाँ रही है, बिजली की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिजली की समस्या के बारे में भी इन्होंने मुझे बताया है। एक हमारा हरियाणा सरकार का एक वो है, नियम है कि जहाँ लाइन लॉसेस 20% से कम हों वहाँ उस गांव को जगमग योजना के तहत ले लिया जाता है। और जगमग योजना के तहत जो गांव आ जाता है उसमें दो बातें हैं, एक तो उस गांव के बिजली के बिल बकाया नहीं होने चाहिए, और दूसरा लाइन लॉसेज नहीं होने, बिजली की चोरी नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों बातें मेरे ख्याल में प्रेमनगर पूरा करता है। तो जल्दी ही हम इसको जगमग योजना में ले आएंगे, और जो गाँव जगमग योजना में आ जाता है वहाँ 24 घंटे बिजली मिलती है।